काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने जीत की कामना की थी तो काशी ने भी अपनी सभी 8 सीटें तो दी ही, पूरी यूपी में बहुमत वाली जीत भी दे दी। अब काशी भी गदगद है, काशी के वासी भी और काशी के मोदी भी। चाय वालों ने जीत का स्वाद चखा दिया तो पान वालों ने चूना नहीं लगाया। देखिए वाराणसी से ये रिपोर्ट। काशी में पीएम मोदी ने सिर्फ काशी की 8 सीटें ही नहीं मांगी थी बल्कि पूरे यूपी में बहुमत बनाने वाली जीत मांगी थी और काशी ने अपने सांसद और देश के पीएम की मुराद भी पूरी कर दी। रोड शो के दौरान पीएम मोदी पप्पू की अड़ी पर चाय पीने आए थे, बेंच पर बैठकर चाय भी पी थी। उनकी यही अदा तो लोगों को भा गई। अब दुकानदार मनोज फरमाते हैं कि उनकी चाय काम कर गई, मोदी का मैजिक काम कर गया। यही प्रधानमंत्री की खासियत है कि हर एक खास चीज को वो आम के लिए उपलब्ध करा देते हैं, आम नागरिक तक ले आते हैं। मनोज जी, आपने तो चाय पिलाई थी प्रधानमंत्री को, क्या लगता है वो चाय काम कर गई? वो चाय काम कर गई, वो मोदी जी की वो जादू काम कर गई। काशी में 8 सीट बोले थे, 8 सीट हमने निकाल ली, जीत गई। तो क्या लगता है कि मोदी जी का रोड शो, चाय पीना, पान खाना सब जनता के दिल में उतर गया? दिल में तो उतर गया। काशी को वो अपने हाथ में ले लिया, काशी को इस तरीके से चाय उन्होंने, जिसे आम जनता लोग पीते हैं, इस तरीके से वो आके यहाँ ब्रेंच पे बैठ के चाय मेरे साथ पिए, उनको चाय अच्छी लगी और बोले एक चाय मनोज हमको और दो, तो वो एक चाय और पिए, फिर बाहर पिए। ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है, ऐसा हमको लगा कि हम किसको, भगवान को जैसे चाय पिला दिए। मनोज तो मान चुके हैं कि उन्होंने मोदी को नहीं भगवान को चाय पिलाई थी। मोदी काशी को अपना चुके हैं तो काशी ने भी पीएम को अपना मान लिया। ये बाबा विश्वनाथ की कृपा है और उनकी नगरी है जो सदैव प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर बनी रहेगी और हम काशीवासी यही बाबा से प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हो और यशस्वी रहें और काशी का नेतृत्व वो हमेशा करते रहें अपने संसदीय क्षेत्र से। पीएम जानते थे कि इस बार का रण आसान नहीं होगा, उन्हें जनता का और भरोसा चाहिए था। तभी तो जब पान की दुकान पर मोदी ने पान खाया तो दुकान वाले से कहा था कि चूना मत लगा देना। अब चलते हैं उस पान की दुकान पर जहां पर बनारसी पान का जायका प्रधानमंत्री ने लिया था और बाबूजी अभी भी पान बना रहे हैं। बाबूजी, क्या लगता है प्रधानमंत्री जी ने जो पान खाया वो चीजें आपके, आप लोगों के दिल में उतर गई कि आठों के आठों सीट बीजेपी फिर से ले उड़ी? यार उड़ गई है कि जीत गई पूरी सीटें। पहली बार पान खाए थे, क्या कहा उन्होंने आपसे? चूना मत लगाइएगा, चूना मत लगाइएगा, तो चूना नहीं लगने दिया जनता ने। काशी ने पीएम की बात रखी, उन्हें चूना नहीं लगाया बल्कि 8 की 8 सीटें देकर उनका मुंह जीत के स्वाद से भर दिया। अब काशी गदगद है, पप्पू की अड़ी भी गदगद है। एक चाय वाले ने दूसरे चाय वाले की बात का मान रखा, वोट दिया, सपोर्ट दिया, भरोसा दिया और सम्मान दिया। और यही खूबी है प्रधानमंत्री की कि वो हमेशा खास नहीं बल्कि आम बनना चाहते हैं और इसीलिए लोगों के दिल में उतरते हैं। और यही कारण था कि बनारस में जिन सीटों को लेकर के चर्चाएं थी उन चर्चाओं पर विराम लग गया और फिर से एक बार मोदी का लहर वाराणसी में काम करता हुआ दिखाई दिया और 2017 की तरह 2022 में भी 8 के 8 सीट वाराणसी की भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई और इसके साथ ही यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़8 वाराणसी। और अब बात कान्हा की नगरी मथुरा की। कान्हा की नगरी मथुरा में चारों ओर होली की धूम है। नंदगांव के हुरियारों ने बरसाने में जमकर लठमार होली खेली है और इस होली को देखने के लिए देश विदेश से हजारों लोगों का जमघट लगा हुआ है।